बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी सूप। मैंने कहा जाते जाते सर्दियों में एक बार सूप जो है ना वो बना ही लिया जाए। ऐसे ना आज कल रात से जो है ना काफ़ी अच्छी जो है ना बारिश हुई है, तो ठंड में जो है ना थोड़ा इजाफा हो चुका है। तो लाहौर में तो बारिश हो रही है और अभी भी काफ़ी अच्छे बादल हुए हुए हैं। तो आप बताएं आपके जगह पर कैसे क्या है मौसम के हालात। तो यहाँ पर जो है ना रात से बारिश हुई है, तो मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हुआ है। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर, आज सूप बना रही हूँ मैं। तो सूप के लिए जो चीज़ें चाहिए मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास मैक्रोनी है, 250 ग्राम मेरे पास मैक्रोनी है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास दो दरमियाने साइज़ के आलू थे जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है। दो ही मेरे पास गाजर थी जिसको मैंने इस तरह से इसको भी छोटा छोटा काट लिया है। मटर मेरे पास है 1 कप। टमाटर दो दरमियाने साइज़ के थे जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। यहाँ पर मेरे पास लहसुन के जवे हैं, ये मेरे पास 4 लहसुन के जबे थे जिसकी मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है इसको। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून। यहाँ पर इसके अंदर जो सॉसेस है इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसका इस्तेमाल करेंगे। स्वीट मेरे पास सॉस है, इसका इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस है, इसका इस्तेमाल करूँगी मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैं चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका इस्तेमाल करूँगी 2 क्यूब यूज़ करूँगी इसकी मैं। आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून भर कर वो डाल लें। तो अब जो है हम इसको पकाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इस पैन के अंदर ना ऑयल डाल दिया है, मैंने इसके अंदर टोटल 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर हम जो है इसको थोड़ा सा मैं करूँगी फ्राई करूँगी, ताकि जो है ना इसकी एक अच्छी सी खुशबू वो जो है ना वो आने लग जाए। उसके बाद जो है हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें वो शामिल करेंगे। देखिए लहसुन हो गया है, मैं शामिल करूँगी इसके अंदर गाजर, आलू और मटर, ये शामिल करके मैं जो हूँ इसको 5 मिनट तक, मैं 5 से 8 मिनट तक हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई, ताकि ये जो है ना अच्छे से हमारी जो है ना वेजिटेबल ये फ्राई हो जाए इसके अंदर। तो 5 से 8 मिनट मैं इसको अच्छे से इसके अंदर इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जो है मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करती हूँ, जिससे मैं शामिल कर रही हूँ सबसे पहले ये सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी स्वीट सॉस का इस्तेमाल करेंगे चिली सॉस में। और यहाँ पर मेरे पास है चिली सॉस, काली मिर्च, चिकन क्यूब डाल दी, मैं इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल रही हूँ, ताकि जो है मैं इसको 5-6 मज़ीद इसके अंदर डाल के पकाऊँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर सब्जियों को जो है ना अच्छे से गलाना है, क्योंकि हमारी मैक्रोनी तो गली हुई है, बिल्कुल पकी हुई है, मैंने चाहती हूँ उसके अंदर साथ शामिल करके फिर वो ओवर कुकड हो जाए। तो इसलिए जो है मैं सबसे पहले सब्जियों को हम ना सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए, फिर जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे इसके अंदर मैक्रोनी का। मैंने इसका बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर मैंने, और मैं इसको बिल्कुल हल्की आँच पर ढककर इसको गलने के लिए रखूँगी। लेकिन ये मैं टमाटर की पेस्ट डालना भूल ही गई, ये भी डाल देंगे इसी के अंदर। अब मैं जो है इसको पकने के लिए रखूँगी, ताकि जो है ये जो हमारी सब्ज़ी है जो है ना ये गल जाए। 5 मिनट सब्ज़ी को जो है वो पकते हुए हो चुके हैं, और सब्ज़ियाँ भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत जो कस्सा रह गई है वो हम जब मैं मैक्रोनी शामिल करूँगी तब भी डाल के इसको मैं 10 मिनट पकाऊँगी, तो उसमें इसकी जो बाकी कस्सर है वो पूरी हो जाएगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर मैक्रोनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी का, और 2 से 3 ग्लास के अंदर पानी के इस्तेमाल करूँगी मैं, ताकि अच्छा से एक सूप बने इसका। इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहें पानी को। मैंने इसको 10 मिनट तक पकाना है जो है अब सूप को 10 मिनट इसको लगेंगे पकने में। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर मज़ीद शामिल करूँगी। चलिए मैं इसको
10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से हमारा जो सूप है अच्छे से पक जाए। मैंने वेजिटेबल सूप भी बनाया हुआ है, वो भी मेरे चैनल पर है। मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे, आप वहाँ पर जाके मेरी रेसिपी को चेकआउट कर सकते हैं। वो भी बहुत मज़े का सूप है, ये भी ट्राई कीजिएगा, ये भी आपको अच्छा लगेगा मैक्रोनी सूप। तो मैंने इसके अंदर जो है ना नमक का वो इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारे सोया सॉस के अंदर भी काफ़ी नमक होता है और चिली सॉस में भी नमक होता है, और फिर हमने इसका चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया था उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक नहीं इस्तेमाल किया। नमक जो है बिल्कुल एंड में जब आप कॉर्नफ्लोर डालकर इसको जस्ट कर लें, इसको गाढ़ा कर लें, तब आप नमक जो है ना वो टेस्ट कर लें। अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं इसके अंदर नमक, वरना नहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी होगा नमक क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर नमक है, तो कम होगा तो मैं बाद में डाल दूँगी इसके अंदर। तो अब जो है ना मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ, एक बॉयल आने तक मैं इसको जो है ना वो तेज़ आँच पे इसको मैं पका रही हूँ ताकि इसका जो है बॉयल आ जाए। उसके बाद मैं इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल हल्की कर दूँगी, मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो है सूप 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि अच्छे से सूप जो है पक जाए, जो सब्ज़ी का जो कसर है वो भी जो है वो भी पूरी हो जाए। तो मैं इसको जो है ना अच्छे से पकाती हूँ। देखिए सूप जो है ना वो पक चुका है, अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मैं अच्छे से चलाती जाऊँगी और जितनी मुझे थिकनेस चाहिए होगी उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी, ना ही बहुत पतला रखेंगे हम इसको, तो थोड़ा सॉल्ट शामिल करूँगी। देखिए जो जितनी भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी ना कॉर्नफ्लावर की, वो मैंने सारी शामिल कर दी है, और ये जो है ना मेरा सूप भी पक के तैयार हो चुका है। डिपेंड करता है आप पानी की क्वांटिटी कितनी डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर जो है ना एडजस्ट कर लें, ज़्यादा कम उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो सूप पक गया है, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी और आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, और आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी बार जो है ना बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इस मौसम में सूप पीने का बहुत ही मज़ा आता है। तो जो है आपको लगी कैसी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई करें तो पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।